शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा के प्राचार्य ओंकार पांडे द्वारा सराहनीय कार्य 1949 में बने चूनी कार्य के भवन का निर्माण किया जीर्णोद्धार। शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रारंभिक भवन जहां सन 1967-68 के विश्वविद्यालय में भी लगी थी, लगभग 10 वर्षों से यह भवन पूरी तरह से जर्जर स्थिति में पड़ा था। जब मई अप्रैल 2018-15 में प्राचार्य के रूप में इस विद्यालय में आया और देखा कि 1939 में राजा महाराजाओं द्वारा बनाई गई यह बिल्डिंग जो यादगार के रूप में शोभायमान होना चाहिए, वो रो रो रही थी। तभी से मैंने यह विचार बनाया कि इस बिल्डिंग के आंसुओं को पोंछने का कार्य करूंगा। तभी से मैंने लोगों से जरा जन सहयोग मांगना शुरू किया और लगभग मुझे 2 लाख रुपए जन सहयोग से प्राप्त हुए। इसके बाद जो सालाना विकास की राशि आती थी उसका मैंने उपयोग किया और अब लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। अभी भी लगभग 4 लाख की लागत भवन में लगनी है जिस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा इसी साल विकास की राशि से प्राइमरी और मिडिल स्कूल की भी व्यवस्था मेरे द्वारा की जा रही है। यहाँ पूरे पहले लकड़ी का वो था, है ना, यहाँ की लकड़ी है ना, अच्छा, और ये पूरा आप सारा विकास से संबंध है ना। यहाँ यूनिवर्सिटी भी लगी, 67 में खुली है, तो यूनिवर्सिटी यही 1968 में यूनिवर्सिटी यही लगी, 67-68 में यही संचालित हुई है। इसके बाद ये बिल्डिंग 10 साल से वहाँ पीछे जाना, आगे का तो पोर्शन था जिसमें कार्यालय लग रहा है प्राचार्य का, सिर्फ तो सुरक्षित था लेकिन पीछे तो बिल्डिंग गिर रही थी और उसमें लकड़ी की धनिया लगी थी, वो भी डिस्टर्ब हो रही थी, डूब गई थी, पानी टपकने लगा था। तो हमने लोगों से भी सहयोग किया, जन सहयोग से भी बात की लोगों से, तो लोगों ने भी लगभग 2 लाख रुपए जन सहयोग से मिला और शाला विकास की राशि पूर्व में भी 3 लाख थी और यहाँ की शाला विकास की राशि से हमने काम प्रारंभ किया और वो लगभग समाप्त की ओर है। पूरे गाटर बदल दिए गए हैं, धनिया बदल दी गई और उसके बाद अब उसमें छत की भी मरम्मत ऊपर की हो गई है, थोड़ी बहुत छत की बाकी है उसको भी करवा लेंगे और पुताई का काम बाकी है, तो पुताई के लिए लगभग हमारे पास 80,000 रुपये स्काउट से है जिसमें मध्य प्रदेश शासन ने आदेश कर दिया, पहले स्काउट किराया दिया कि पुताई का काम आप कर सकते हैं, तो वो 80,000 रुपये है तो पुताई का काम हो जाएगा। बिजली फिटिंग का काम शेष है और पंखा लगाना, तो वो भी पंखे भी हमारे पास 20 हैं, लोगों से मांगा है 20 पंखे भी मिल गए हमको। अब तक कितना खर्चा लगा होगा इसमें? इस बिल्डिंग में लगभग कितना? 6 लाख लगभग। 6 लाख अभी लगभग कितना लग सकता है जिस हिसाब से आप कार्य को प्रगति दे रहे हैं? लगभग 4 लाख कम से कम लग जा सकता अभी। और ये टोटल आपके जैसे लोगों से चंदा के रूप में और आप अपने महीने की तनख्वाह से दिए हैं कुछ की? 30,000 हम अपने वेतन से दिए हैं। 21,000? 30,000। टीचर कुछ संस्थाएं दिए लगभग वो 2 लाख है। रखी जा रहा है कितनी अच्छी पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग को? 2 में तो क्लासेस लगेंगे, ऊपर की जो आपने देखा उसमें 2 में क्लास लगेंगी और हमको फर्नीचर भी 60 नग मिल रहे हैं, अभी बताया है राज्य शासन की तरफ से, तो उसमें 30 गुना 60 मैंने
120 लग जाएंगे, 30 इधर से 30 इधर से, वो बैठने से खड़ा हो जाएंगे और नीचे कार्यालय दे देंगे। सर इसके लिए आपको राज्य शासन डिमांड मांगी तो दिए हैं और जानकारी मिली कि 160